हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कस्टम ट्रांजिट डिक्लेरेशन के बारे में, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में CTD बोला जाता है, और ये है क्या, इसके बारे में हम इस वीडियो में थोड़ी सी चर्चा जो है वो करेंगे। तो दोस्तों, CTD यानी कि कस्टम ट्रांजिट डिक्लेरेशन, ये उस वक्त लागू होता है जैसे कि आप किसी तीसरे मुल्क से नेपाल में सामान को इम्पोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के, यानी कि भारत के जो स्थल मार्ग है, जो सड़कें हैं, उस सड़कों के सहारे आप किसी तीसरे मुल्क से, इंडिया को छोड़ करके बाकी सारे जो मुल्क है उसको तीसरे मुल्क जो है कि वो बोला जाता है नेपाल के हक में, तो इन सभी मुल्क से अगर आप सामान लाते हैं भारत के सड़कों को प्रयोग करके, तो वहां पर आपको CTD लागू होता है। तो नेपाल तथा भारत का द्विपक्षीय व्यापार तथा परिवहन संधि समझौता के अनुसार, अगर आप किसी तीसरे मुल्क से सामान मंगाते हैं नेपाल में, भारत के रास्ते होते हुए, भारत का रास्ता जिस सामान को इंपोर्ट करने में अगर प्रयोग में लाया जाता है, तो वहां पर आपको CTD का फॉर्म भरना पड़ेगा। ये फॉर्म आपको स्पेशली जो है कि कलकत्ता का बंदरगाह हो गया, हल्दिया और फुलवारी बंदरगाह पे आपको ये CTD का फॉर्म मिल जाता है। ज़्यादातर लोग जो है कि कलकत्ता बंदरगाह पर जो पोर्ट आते हैं, जो बड़े बड़े जो शिप से सामान आता है, तो कलकत्ता बंदरगाह यानी कि कलकत्ता पोर्ट पे वो सामान लोड अनलोड होता है, तो वहाँ पर जो है कि नेपाल का एक कस्टम का जो अधिकारी है वहाँ पर भी बैठे होते हैं। तो ऐसे सामान जो है कि अगर आप नेपाल में लाना चाहते हैं, तो वहाँ के कस्टम अधिकारी के द्वारा आपकी सामान को जो है कि जाँच पास किया जाएगा, और वहाँ उसके बाद में एक कंटेनर में जो है कि लोड किया जाता है, और कंटेनर को वन टाइम सीलबंदी किया जाता है, और वो वन टाइम सीलबंदी होने के बाद में कुछ डॉक्यूमेंटेशन के साथ में आपका पूरा जो है ऐसे कि भारत का जो सड़क है वो प्रयोग में आएगा, जहां अगर चेकिंग होता है चेक पोस्ट पे, तो उस डॉक्यूमेंट को दिखाएंगे तो आपका काम जो है ऐसे कि वो निकल जाएगा, और आगे आप नेपाल के भंसार तक ले करके आ सकते हैं। हालांकि कई ऐसे जो कंडीशन है, उस कंडीशन में आप जैसे कि इंडिया में कोई सामान अगर बैंड है, अगर वो आप इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं नेपाल में, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पर आपको कुछ सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो लगता है। तो कुछ सिक्योरिटी अमाउंट वहाँ पर देने के बाद में आप बेझिझक ऐसे सामान नेपाल में इंपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको वन टाइम जो है कि सीलबंदी जो कंटेनर होते हैं, उस कंटेनर को चेक करके और वहाँ पे एक वन टाइम का सील लगा दिया जाता है, जो कि आपको केवल नेपाल में आने के बाद ही खोलना है। तो वो वन टाइम सील देने के बाद में बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन काम है, बाकी जो डॉक्यूमेंट होते हैं, छः प्रति जो है से कि डॉक्यूमेंट बनता है उसका CTD का, तो वो 6 प्रति डॉक्यूमेंट जो है से कि वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट तो आपको नेपाल के जो कस्टम अधिकारी जो कलकत्ता बंदरगाह पे बैठे हुए हैं वो लेंगे, और बाकी 2 डॉक्यूमेंट जो है से कि वो आपके इंडिया के जो बॉर्डर है, वो जब आप नेपाल लाते हैं तो इंडिया के लास्ट बॉर्डर जो होते हैं वहाँ के अधिकारी जो है कि उसको देखेंगे और इजाज़त देंगे आपको कि आप अब इस चीज़ को नेपाल में लेकर के जाइए। तो वो अगर आप नेपाल में सही सलामत से लेकर के आ गए, तो बाकी के कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं 2-4 प्रति जो बच रहा है, उस पर आपके कंपनी का मोहर और हस्ताक्षर होना चाहिए, और मोहर हस्ताक्षर के साथ आप उस डॉक्यूमेंट को वापस कलकत्ता बंदरगाह में पेश करना है, ताकि वहाँ के बंदरगाह के अधिकारियों को पता चले जो भी सामान आपने मंगाए हुए हैं वो सामान आप तक सही सलामत पहुँच चुका है। तो यही सब चीज़ है CTD स्पेशली, जैसे कि तीसरे मुल्क से कोई सामान बड़े लेवल पे कोई अगर इंपोर्ट करते हैं, तो ये उन लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं। बाकी अगर छोटे मोटे जो व्यापारी है, तो वो इंटरनली मतलब दूसरे देश से नहीं, इसी देश से, जैसे कि नेपाल से ही उठा करके नेपाल में ही कुछ लोग बेच देते हैं, लेकिन जो बड़े लेवल का काम करते हैं, एक देश से दूसरे देश में माल को भेजना और सामान को लाना, ऐसे जो कारोबार करते हैं, ये उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है CTD यानी कि कस्टम ट्रांजिट डिक्लेरेशन। तो मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ, यानी कि कस्टम ट्रांजिट डिक्लेरेशन, ये इसका शॉर्ट फॉर्म CTD है। ये एक प्रकार का जो है कागजी प्रक्रिया है, जो कि आप किसी तीसरे मुल्क से सामान को नेपाल में आयात कर रहे हैं, या तीसरे मुल्क में नेपाल का सामान जो है वो निर्यात कर रहा है, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाला जो तीसरे मुल्क में सामान है, उसी चीज को जो है कि यहाँ पे CTD यानी कि कस्टम ट्रांजिट डिक्लेरेशन बोला गया है। हालांकि ये सड़क का मार्ग होते हुए अगर आप लेकर के जाते हैं तभी ये लागू होता है, और हवाई का मार्ग लेते हुए अगर हवाई मार्ग से कोई सामान मंगाते हैं या भेजते हैं, तो ऐसे चीज में आपको ये CTD जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हवाई मार्ग थोड़ा सा खर्चीला हो जाता है। तो ऐसे में लोग जो है कि चाहते हैं
शिप से पानी जहाज के सहारे किसी दूसरे देश से लेकर के यहाँ पर कलकत्ता बंदरगाह जो है से कि वो नेपाल के नज़दीक में पड़ता है ज़्यादातर, विशाखापट्टनम जो है ये थोड़ा दूर हो गया, तो कलकत्ता बंदरगाह पे स्पेशली जो है से कि ज़्यादा सामान जो है वहाँ पे अनलोड होता है और वहीं पे लोड होता है। तो कलकत्ता बंदरगाह पे आप ये CTD का फॉर्म वगैरह जो है से कि वहाँ से ले सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं, और उस फॉर्म के सहारे आप नेपाल तक बड़े लेवल पे जो भी सामान तीसरे मुल्क से मंगा रहे हैं वो आसानी से लेकर के आ सकते हैं। इसी प्रक्रिया को जो है से कि CTD बोला गया है, यानी कि कस्टम ट्रांजिट डिक्लेरेशन, बस आप समझ गए। तो पिछले वीडियो में यही एक चीज़ छूट रहा था, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को किस तरह से सामान जो है से कि दूसरे देश से नेपाल में लेकर के आते हैं। नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो मैंने बनाया है। और ये आज का वीडियो जो है कि उसी वीडियो का मतलब सेकेंड पार्ट समझ सकते हैं, कुछ छूटा हुआ जो पॉइंट था वो मैं इस वीडियो में बता दिया हूँ। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो वगैरह लेकर के आते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।